दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो और इंस्टाग्राम पर आप रील्स वीडियो बनाते हो और रील्स वीडियो बनाए हो आपसे गलती से डिलीट हो जाता है या फिर आपके फ़ोन से कोई भी बंदा जो रील्स वीडियो को डिलीट कर देता है, तो डिलीट हुआ रील्स वीडियो को रिकवर कैसे करते हैं, वापस कैसे लाते हैं अपनी यूज़र आईडी पर, आज की इस एक मिनट की वीडियो में आपको सिखाएंगे। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, विदाउट स्किप किए देखिएगा। ओके, तो चलिए वीडियो को विदाउट टाइम वेस्ट कर स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर दोस्तों आप नए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपके मोबाइल फोन के स्क्रीन पर आ जाना, उसके बाद दोस्तों आपको इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना। ओके, इंस्टाग्राम को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको नीचे प्रोफाइल पे इधर क्लिक कर देना। ओके, उसके बाद दोस्तों आपको थ्री लाइंस के ऊपर ऑप्शन आएगा, आपको थ्री लाइंस पे ऊपर क्लिक कर देना। ओके, देन गाइस नीचे सेटिंग का ऑप्शन आएगा, नहीं तो आपको सेटिंग प्राइवेसी पे ऊपर क्लिक कर देना। ओके, उसके बाद दोस्तों फिर से आपको इधर एक ऑप्शन आएगा योर एक्टिविटी, तो आपको सिंपली योर एक्टिविटी पे आपको क्लिक करना है। ओके, देन गाइस अब आपको क्या करना है, इधर नीचे देखिए स्क्रॉल अप करिएगा तो आपको नीचे ऑप्शन आएगा रिसेंटली डिलीटेड, तो आपको सिंपली जो है रिसेंटली डिलीटेड पे आपको क्लिक कर देना। ओके, तो दोस्तों जो भी आपने इंस्टाग्राम यूज़र आईडी से वीडियो को डिलीट किया होगा आपको इधर शो कर जाएगा। ओके, अब दोस्तों देखिए वीडियो को वापस कैसे लाना, रिकवर कैसे करना, आपको सिंपली वीडियो पर एक बार क्लिक करना है। ओके, जैसे आप वीडियो पर आप क्लिक करोगे तो ये वीडियो जो है ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों रिकवर करने के लिए क्या करना, आपको लाइक के नीचे थ्री डॉट का इधर ऑप्शन आएगा तो आपको सिंपली थ्री डॉट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको डिलीट और रीस्टोर का ऑप्शन आएगा तो आपको रीस्टोर पे क्लिक कर देना है एक बार। ओके, तो रीस्टोर पे क्लिक करने के बाद फिर से रीस्टोर का ऑप्शन आएगा तो आपको रीस्टोर पे एक बार फिर से बीच में क्लिक कर देना। ओके, तो जैसे आप फिर से एक बार रीस्टोर पे आप क्लिक करोगे तो ये वीडियो दोस्तों रीस्टोर हो चुका है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इधर से आपको बैक आ जाना है, आपको जो देखिए इधर आपको होम पर आ जाना है। ओके, उसके बाद दोस्तों आपको इधर अपने प्रोफाइल पर आने के बाद आपको रिफ्रेश करना है, देखिए इधर वो वीडियो इधर शो करने लगा। ओके दोस्तों, जो भी मैंने अपने यूजर आईडी से रीस्टोर किया ये इधर शो कर रहा है। अब दोस्तों फिर से एक और वीडियो दोस्तों रीस्टोर करके देखते हैं, एक बार थ्री लाइन्स पर क्लिक करना है, फिर से आपको सेटिंग प्राइवेसी पर आपको क्लिक करना है, देन गाइस फिर से आपको योर एक्टिविटी पर आपको क्लिक करना है। ओके, फिर से आपको वही आपको रिसेंटली डिलीटेड पर आपको क्लिक करना है नीचे। ओके, देन गाइस देखिए एक वीडियो और बचा है, फिर से आपको एक बार वीडियो पर टैप करना है, मतलब क्लिक करना है। ओके, तो देखिए एक वीडियो बचा है, इस पर आपको ऐसे टैप कर लेना है, क्लिक करना है। उसके बाद आपको लाइक के नीचे थ्री डॉट का ऑप्शन आएगा तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद डिलीट रीस्टोर का ऑप्शन आएगा तो आपको रीस्टोर पर क्लिक करने के बाद आपको एक बार और रीस्टोर पर क्लिक कर देना। ओके, तो रीस्टोर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको बैक आ जाना, फिर से आपको प्रोफाइल पर आ जाना बैक। उसके बाद दोस्तों आपको फिर से वैसे ही आपको एक बार रिफ्रेश कर लेना। ओके, तो देखिए हमारा डिलीट किया हुआ वीडियो दोनों का दोनों इधर शो कर रहा है रील्स वीडियो। ओके, तो ठीक इसी तरीके से गाइस अपना इंस्टाग्राम का रील्स वीडियो को डिलीट किया हुआ वापस ला सकते हो। दोस्तों आपको एक बात बता दो कि आप सिर्फ 30 दिन के अंदर ही इंस्टाग्राम यूज़र आईडी से डिलीट किया हुआ वीडियो को वापस ला सकते हो। अगर 30 दिन के ज़्यादा हो जाएगा तो इंस्टाग्राम का इधर डिलीट किया हुआ रील्स वीडियो नहीं शो करेगा। ओके, तो गाइस वीडियो कैसी लगी गाइस कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ओके गाइस, तो चलिए एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं गाइस, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।